Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. In this lecture today we will study vestigial sideband VSB. तो ये जो आपका vestigial sideband है वो actually में जो आपका SSB SC में drawback था उसको recover करने के लिए बनाया गया था, remove करने के लिए बनाया गया था. ठीक है, ये कैसे recover करता है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ SSB SC. तो SSB SC में जो ड्रॉबैक था वो ये था. आप देख सकते हैं कि SSB SC में जो ड्रॉबैक है, अगर आप अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड को पास कराते हैं प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर से, तो जो आपका मैसेज आपको जो रिकवर होता है वो इस तरीके से कुछ लोअर साइड बैंड के भी कुछ पार्ट्स ट्रांसमिट हो जाते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, जो आपको सामने दिख रहा है. ठीक है, तो इसी को रिकवर करने के लिए जो आपका डेफिनेशन है वेस्टिजियल साइड बैंड का, वो देखेंगे कि वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन इज अ मॉड्यूलेशन टेक्निक विच अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ वन साइड बैंड इन एडिशन विथ अ पार्ट ऑफ और वेस्टिज ऑफ द अदर. ठीक है, तो वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन क्या करता है, जो आपका SSB SC में एक्स्ट्रा आपका जो पार्ट आ जाता था उसको ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ करता है. ठीक है, तो अलाउ करता है वो अलग बात है, अलाउ करना एक अलग बात है, लेकिन हमें उसका फायदा मिलना चाहिए, हमें उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. अगर हम मॉड्यूलेशन करते हैं और डिमॉड्यूलेशन के बाद अगर हमें मैसेज मिलता है तब हम कहेंगे कि यस, अलाउ करना बेनिफिशियल है. तो हम आगे देखेंगे कि VSB SC सिग्नल जो है आपका वो किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है, वो मैसेज को कैसे रिकवर करता है. ठीक है, तो VSB टेक्निक इज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ SSB SC मॉड्यूलेशन. और SSB SC का जो आपका सिग्नल है उसका जो फ्रिक्वेंसी डोमेन है वो आपको सामने दिख रहा है कि कुछ इस तरीके से हमें मिलता है प्रैक्टिकली, है ना. ठीक है, अब सपोज कि ये हमें SSB SC मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो अगर हम इसका डिमॉड्यूलेशन अगर करें, ठीक है, तो हमें एक्चुअल में मिलेगा क्या, क्योंकि जब हमने SSB SC पढ़ा था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें क्या मिलेगा, हमने जस्ट सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज किया और केस 1 केस 2 हमने पढ़ लिया था, एंड देन हमने ये देख लिया था कि यहाँ पे हमारा जो एक क्वाड्रेचरल इफेक्ट है वो नहीं होता SSB SC में. ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें मिलेगा क्या अगर हम डिमॉड्यूलेशन करते हैं, तो देखेंगे जरा. अगर मैंने कहा कि इसको फ्रिक्वेंसी, इसका डिमॉड्यूलेशन अगर हम करते हैं सिंक्रोनस डिटेक्टर से, तो डेफिनेटली जो लोकल ऑसिलेटर होगा AC cos 2π FCT जो होगा हमारा, उसकी फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे. तो जब हम डिमॉड्यूलेशन करेंगे तो एक बार ये सिग्नल शिफ्ट होगा आपका FC से और एक बार शिफ्ट होगा -SC से. ठीक है, ये इतना कंफर्म होगा, क्योंकि अगर सिंक्रोनस डिटेक्टर देंगे तो इनपुट पे क्या होगा, मल्टीप्लायर होगा. मल्टीप्लायर के इनपुट पे पहले होगा आपका ये SSB SC सिग्नल और एक लोकल ऑसिलेटर होगा जिसका AC cos 2π FCT हम मान के चलेंगे. ठीक है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या मतलब होता है, कि जो भी सिग्नल आप AC cos 2π FCT से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक बार FC से शिफ्ट होगा, एक बार -FC से. तो इस सिग्नल को जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में SSB SC है उसको एक बार FC से शिफ्ट करेंगे और एक बार -FC से. तो जब एक बार इसको FC से शिफ्ट करेंगे तो ओरिजिन कहाँ चला जाएगा, FC पे. FC वाला कंपोनेंट कहाँ जाएगा आपका, 2FC पे. FC प्लस ओमेगा कहाँ जाएगा, 2FC प्लस ओमेगा पे. -FC वाला कहाँ जाएगा, ओरिजिन पे. और -FC - ओमेगा कहाँ जाएगा, -ओमेगा पे, क्योंकि हम FC से शिफ्ट कराए. तो देखेंगे यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है वो एक बार FC से शिफ्ट कराने के बाद का है. अब एक बार -FC से शिफ्ट कराएंगे, तो जब एक बार -FC से शिफ्ट कराएंगे तो पीछे जाएंगे, FC वाला टर्म कहाँ जाएगा, ओरिजिन पे, क्योंकि -FC से शिफ्ट करा रहे हैं. FC प्लस ओमेगा वाला कहाँ जाएगा, ओमेगा पे. -FC वाला टर्म कहाँ जाएगा, -2FC पे. और -FC - ओमेगा कहाँ जाएगा, -2FC - ओमेगा पे. और ओरिजिन कहाँ जाएगा, -FC पे. तो देखेंगे यहाँ पे ये आपका हो गया. ठीक है, तो ये आपका डायग्राम एक बार -FC से शिफ्ट कराने के बाद का है. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना होगा,
तो आई होप कि आपको दो सिग्नल ऐड करने तो आते ही होंगे, ठीक है, इतना तो आपको आता होगा दो सिग्नल ऐड करना। तो ऐड करने के बाद आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ओरिजिन पे देखिए ज़रा, ओरिजिन पे ध्यान से देखेंगे और ऐड करने के बाद क्या आपको ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे मान लो माइनस ओमेगा है, तो माइनस सॉरी यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो माइनस ओमेगा और यहाँ पे ज़ीरो है, तो माइनस ओमेगा पे आपकी वही सिग्नल रहेगा। माइनस ओमेगा के बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे जब, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है और यहाँ पे ज़ीरो है, तो वही वैल्यू रहेगी माइनस ओमेगा। और यहाँ पे मान लो देखते हैं माइनस ओमेगा से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं क्लोज टू द ओरिजिन, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है और यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यू, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और ये सॉरी एडिशन होगा और कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम SSB SC सिग्नल का डिमॉड्यूलेशन करते हैं, तो ये तो आपका डिमॉड्यूलेशन करने के बाद का है, फिर लो पास फिल्टर से पास भी कराएंगे, तो जब लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। तो क्या आपको ये मैसेज सिग्नल दिख रहा है? डेफिनेटली नॉट, ये आपका मैसेज सिग्नल नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि SSB SC को अगर हम डिमॉड्यूलेट करते हैं अगर, तो हमें मैसेज सिग्नल रिकवर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल बैंड पास फिल्टर होते हैं, प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर होते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हमें ये मिलता है तो हमने कहा कि वेस्टिजियल साइड बैंड यूज करेंगे, तो वेस्टिजियल साइड बैंड के लिए हम क्या करेंगे, तो कहेंगे क्या, ये ऊपर की लाइन हम बता चुका हूँ फिर भी पढ़ देता हूँ मैं, इन द रिजल्टिंग सिग्नल वेरी लो फ्रिक्वेंसीज नियर टू ओरिजिन विल बी इंटरफेरेंस बाई एडिशनल फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स सो द मैसेज सिग्नल विल नॉट बी परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड। इसके बारे में बता रहा है कि ओरिजिन के पास में जो आपके लोअर फ्रिक्वेंसी के हैं वहाँ पे एडिशनल जो कंपोनेंट है वो ऐड हो जाने की वजह से मैसेज सिग्नल परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, फॉर जनरेशन ऑफ VSB DSB सिग्नल इज पास्ड थ्रू अ साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। ध्यान रखिएगा एक अदर फिल्टर का नाम आ रहा है, जब VSB सिग्नल को अगर आपको जनरेट करना है तो DSB SC सिग्नल इज पास्ड थ्रू अ साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, वो हम आपको आगे दिखाएंगे वो क्या होता है। और फॉर डीमॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ VSB सिंक्रोनस डिटेक्टर विल बी यूज्ड। तो आप देखेंगे DSB, SSB और VSB तीनों के लिए हमने कौन सा डिमॉड्यूलेशन यूज किया, सिंक्रोनस डिटेक्टर। जस्ट AM के लिए जो डिमॉड्यूलेशन है हमारा वो स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर, एनवलप डिटेक्टर और सिंक्रोनस डिटेक्टर तीनों हमने देखा था, जिसमें एनवलप डिटेक्टर ही हम प्रिफर करते हैं, राइट। नाउ अब देखो, ये आपका मैसेज है और जो सेकेंड डायग्राम है आपका वो है आपका DSB, राइट, DSB है, ओके। अगर हम ये जो आपको दिख रहा है बैंड पास फिल्टर, अगर हम इससे पास कराएंगे तो मिलेगा क्या हमें, SSB SC, लेकिन हमें अगर VSB SC चाहिए तो हमें इसको पास कराना पड़ेगा एक साइड बैंड शेपिंग फिल्टर। तो वो क्या होगा आप देखेंगे यहाँ पे, अब हमने क्या किया, इस जो बैंड पास फिल्टर था उसमें हमने कुछ मॉडिफिकेशन किया है और उस मॉडिफिकेशन की वजह से जो जनरेट होगा जो आपका फिल्टर बनेगा दैट फिल्टर इज कॉल्ड एज अ साइड बैंड शेपिंग फिल्टर, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आउटपुट देखने के लिए डायरेक्ट आउटपुट नहीं दिखाऊंगा मैं, इन दोनों सिग्नल को एक साथ फिर भी वहां पे ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। ये दोनों सिग्नल हमें चाहिए तभी समझ में आएगा कि आउटपुट क्या हो रहा है, राइट। अब देखेंगे हम कि यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड 1 है, जो हमने साइड बैंड शेपिंग फिल्टर यूज किया इसका एम्पलीट्यूड 1 है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड व्हाटएवर जो भी है उससे हमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देखें कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम प्रोसेस देखेंगे पास कराएंगे, ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे और यहां तक फिल्टर पे तो कुछ वैल्यू है, यहां से लेके यहां तक जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको -FC -ओमेगा के लेफ्ट में, वहां पे फिल्टर का तो कुछ वैल्यू है, बट हमारा जो सिग्नल है DSB SC वैल्यू नहीं है, तो यहां पे हमने देखा यहां पे हमने जीरो कर दिया, एक्चुअली यहां पे हमें जीरो दिखाना चाहिए सॉरी जीरो कर दिया है। अब यहां से देखेंगे, यहां पे इसकी वैल्यू 1 है, यहां से लेकर के यहां तक जहां पे डैश लाइन है -FC -ओमेगा से और डैश लाइन तक
जो हमारा साइड बैंड शेपिंग फिल्टर है वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो 1 है तो जो भी एम्पलीट्यूड यहाँ पे होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम। तो यहाँ तक आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ तक हमने एम्पलीट्यूड एज इट इज़ वही रखा है जो आपका DSBSC का है, ठीक है। एम्पलीट्यूड वहाँ पे ऐसे ही रखा है जैसा DSBSC का, इतने ड्यूरेशन तक। अब यहाँ पे डैश लाइन के बाद आपका जो आपके जो साइड बैंड शेपिंग फिल्टर है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। कम कितना हो रहा है? 1 से कम हो रहा है। 1 से कम होने का मतलब 0.7, 0.8, 0.3, वॉट एवर, लेकिन है तो वो 1 से कम ही। अब 1 से कम वैल्यू आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कहाँ तक? -FC तक 1 से कम वैल्यू है, वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है वैल्यू, जो भी वैल्यू हो अगर मान लीजिए आपके DSBSC का। तो कोई भी वैल्यू आपकी अगर 1 से कम वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आउटपुट क्या आएगा? ऑब्वियसली वो भी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। सपोज आप 7 है, यहाँ पे वैल्यू 7 है और यहाँ पे वैल्यू 7.7 है, तो 7 और 0.7 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 0.49, मीन्स 1 से कम ही हो रहा है, राइट? तो 1 से कम ही हो जाएगा। इसी वजह से डैश लाइन के बाद जो यहाँ पे है उसके बाद जो वैल्यू आपको दिख रही है वो कम होते दिख रही है। ये होना चाहिए बट ये कम होते दिख रही है, यहाँ तक हम देख लेंगे। और अब ये यहाँ तक जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कर्सर देखेंगे, हमारा वेस्टिजियल साइड बैंड जहाँ पे वेस्टिज लिखा है वहाँ पे कर्सर देखेंगे, यहाँ तक वैल्यू तो कम होने पे जो चीज़ें समझ में आ रही है, आगे क्या हो रहा है? आगे भी हमारा फिल्टर है, आगे भी हमारा फिल्टर है ब्लू कलर में, तो इसमें वैल्यू कम ही होती जा रही है, और यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में ही है, तो वो कम होगी तो वो 1 से कम ही होती जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे आपका -FC के बाद भी कुछ वैल्यू मिलती है, ठीक है। -FC के बाद भी कुछ वैल्यू हमें यहाँ पे मिलता है इस ब्लू लाइन की वजह से। -FC के बाद जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है उसकी वजह से हमें -FC के बाद भी कुछ वैल्यू मिलती है, और जितनी वैल्यू मिल रही है आपको उसी को कहते हैं हम वेस्टिज, ठीक है। जितनी वैल्यू आपको मिल रही है उसी को कहते हैं हम वेस्टिज। अच्छा, तो ये वेस्टिजियल साइड बैंड है, ठीक है, और ये हम ट्रांसमिट करेंगे। चलो ट्रांसमिट तो कर देंगे हम, बेनिफिट तो तब होगा ना जब इसको डिमॉड्यूलेट अगर करें और हमें मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाए। तो चलिए देखते हैं कि डिमॉड्यूलेशन करने के बाद हमें मैसेज सिग्नल रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये DSB था और ये VSB हो गया, ठीक है। डिमॉड्यूलेशन हम करेंगे VSB का, तो वो भी सिंक्रोनस डिटेक्टर से हमने बात करी थी। तो सिंक्रोनस डिटेक्टर से डिमॉड्यूलेशन का मतलब है कि लोकल ऑसिलेटर AC cos 2πfct से मल्टीप्लाई एंड देन लो पास फिल्टर से पास आउट, ठीक है। लो पास फिल्टर से पास करेंगे, और इसमें भी वही केस कह रहा है कि लोकल ऑसिलेटर को हम ये मान के चलेंगे कि परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। तो बात वही है, एक बार जो आपका VSB है वो एक बार शिफ्ट होगा FC से और एक बार शिफ्ट होगा -FC से। तो इसी सिग्नल को एक बार देखेंगे, और एक बार अगर FC से शिफ्ट करेंगे तो क्या चीज़ें बनेंगी, और एक बार -FC से शिफ्ट करेंगे तो क्या डायग्राम बनेगा, वो आप बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं बताऊँ, अगर एक बार FC से शिफ्ट करें तो -FC वाला चीज़ 0 पे हो जाएगा, -FC -ओमेगा -ओमेगा पे हो जाएगा, FC वाली चीज 2FC पे, और FC प्लस ओमेगा वाला 2FC प्लस ओमेगा पे। तो यहाँ देखेंगे ये जो डायग्राम आपका आ रहा है वो आ रहा है एक बार FC से शिफ्ट करने पे। इसी तरीके से जो सेकेंड डायग्राम है आपका वो आ रहा है आपका -FC से शिफ्ट करने पे, और अब इन दोनों को ऐड करने की बात है। तो अभी ये ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये जो डायग्राम है वो ऐड नहीं हुआ है, जस्ट मैंने डैश लाइन दिखा दिया है जहाँ पे एडिशन होगा, ठीक है। एडिशन अब हम करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि एडिशन हो कैसे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए -ओमेगा आपका यहाँ पे देखेंगे पहला जो डायग्राम है, और दूसरे डायग्राम को देखते हुए चलेंगे, ठीक है, या इसी में आप देख सकते हैं पहला और दूसरे डायग्राम को। देखो -ओमेगा से अगर यहाँ तक देखें इस सिग्नल तक, तो जो भी वैल्यू है पहले डायग्राम की वो ड्रॉ होगी, तो वह एज इट इज ड्रॉ होगा आपका, आफ्टर एडिशन दिख रहा है एज इट इज ड्रॉ होगा। लेकिन ये जो सिग्नल है आपका यहाँ पे,
सेकेंड डायग्राम में जहाँ पे कर्सर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू अभी जीरो है और यहाँ पे वैल्यू कुछ है, तो वही वाली वैल्यू वहाँ पे पुट हो जाएगी। लेकिन इससे जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे आगे सपोज इसकी वैल्यू मान लीजिए कि वन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू यहाँ पे वन है, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर इसकी वैल्यू फाइव है ना, क्योंकि ज़्यादा दिख ही रहा है, ये वन है और ये फाइव है, दोनों अगर ऐड होंगे तो क्या बनेगा, सिक्स। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे कहीं पे यहाँ पे वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, यहाँ पे वन और यहाँ पे फाइव है तो ये सिक्स हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे वैल्यू बढ़ के सिक्स हो जाएगी। इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो आपकी है कुछ मान लो टू है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कम होकर के सपोज फोर हो गई है, टू से फोर हो गई है, तो फोर टू अगेन सिक्स हो जाएगा, तो ये और आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आपके इंक्रीज होते जाएंगे, ये दोनों सिग्नल ऐड होंगे। और अगर आपको समझना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ थर्ड डायग्राम में लो पास फिल्टर के आउटपुट वाले पे, यहाँ पे दोनों की वैल्यू अगर थ्री थ्री है या फाइव फाइव है ना, दोनों के लिए फाइव फाइव है, तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा डेफिनेटली। तो इस वजह से ये सिग्नल यहाँ पे 10 हो जाएगा और फिर उसी तरीके से यहाँ पे एडिशन होगा और हम देखेंगे कि ये आपका जो सिग्नल निकल के आ रहा है लो पास आफ्टर एडिशन लो पास फिल्टर के बाद, वो आपका एक मैसेज सिग्नल ही आ रहा है। तो दिस इज द रीज़न कि वी एस बी इज बेनिफिशियल ओवर एस एस बी, जो कि अलाउ करता है आपके वेस्टिज को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, ए एम पढ़ लिया, डी एस बी पढ़ लिया, एस एस बी पढ़ लिया, वी एस बी पढ़ लिया। बैंडविथ के बारे में देखेंगे तो बैंडविथ हमारा ए एम और डी एस बी का सेम होता है 2 FM, और उससे छोटा आपका वी एस बी होता है, क्योंकि वी एस बी में जो बैंडविथ है थोड़ा सा वेस्टेज की वजह से एस एस बी से ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किसकी बैंडविथ इन चारों में सबसे कम होती है या सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे कम आपको आंसर बहुत तेज़ी से आता है वी एस बी का, सबसे कम आपका एस एस बी का होगा, सबसे ज़्यादा ए एम और डी एस बी का होगा। और अगर हम पावर की बात करें तो ए एम और डी एस बी में सबसे ज़्यादा पावर यूज होता है, और एस एस बी और वी एस बी में सेम पावर यूज होगा, क्योंकि दोनों ही सिंगल साइड बैंड ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।